हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट को कैसे अपलोड करते हैं। जैसे मैंने इस चैनल पे अपने कम्युनिटी पोस्ट को अपलोड किया हुआ है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यदि आपके चैनल पर 500+ सब्सक्राइबर हैं तो ही आप अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट को अपलोड कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स है वह आप तक आता रहे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा योर चैनल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन होगा होम का होगा वीडियोस प्लेलिस्ट कम्युनिटी पोस्ट, तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको नीचे ऑप्शन दिखेंगे होम शॉर्ट्स प्लस सब्सक्रिप्शन और लाइब्रेरी। तो आपको करना क्या है, आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट शॉर्ट्स, अपलोड्स अ वीडियो, गो लाइव और क्रिएट पोस्ट। तो आपको क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो इमेज है, गैलरी है, वह ओपन हो जाती है। तो आपको जिस भी टाइप के यहाँ पे पोस्ट अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे जैसे मैं क्रिकेट के ऊपर पोस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी प्लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आपको एक से ज़्यादा पिक एडिट करनी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे फिर से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और आ जाएगा। उसके बाद आप इसी तरह से थर्ड पिक भी पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, थर्ड पिक भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे फोर्थ पिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपकी जो पोस्ट थी वह इस तरह से आ जाएंगी। और आपको यहाँ पर ऊपर एक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको टाइटल भी लिख देना है। जैसे मेरा इस इमेज का टाइटल है विच इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विच इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या करना है, शेड्यूल आ जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद टाइमिंग भी है और जब भी अपलोड करना है यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं उसके 2 या 3 सेकेंड बाद आप देख सकते हैं पोस्ट क्रिएटेड। उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स पर जाके चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो पेज था वह पोस्ट रिलोड हुआ या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैंने कम्युनिटी बॉक्स पर जो भी पोस्ट किया है वह पोस्ट आ गया है। आप और यदि आप शेड्यूल में पोस्ट करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी लिखकर पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शेड्यूल में भी लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं या कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।